हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो मैंने आज से एक सीरीज स्टार्ट किया है, मैं आपसे शेयर करूंगी 7 डेज 7 सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड ब्राइडल लुक। सो ये फर्स्ट लुक है सुरभि चंद्रा का, मुझे ये लुक काफ़ी अच्छा लगा एंड बहुत ही ईजी एंड एलिगेंट है। मेरा बेस लाइक मुझे ऐसा लगता है कि सेम उनकी तरह हुआ था, बहुत ही ड्यूई ग्लोई एंड नेचुरल लग रहा था। सामने से देखने पर तो लग रहा था मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया है। तो अगर आप सीखना चाहते हो आप सेलिब्रिटी जैसा ब्राइडल लुक कैसे कर सकते हो घर पर, इस वीडियो को पूरा एंड जो देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल होगी मेरी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो जो कि फ्री होता है, एंड मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर यूज़ किया। मेरी स्किन ड्राई है, जिनकी भी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है आप एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाता है। लिप बाम मैंने डॉट एंड की का यूज़ किया। इसके बाद मैंने यूज़ किया है मैक का स्ट्रॉप क्रीम। अगर आपको सेलिब्रिटी के जैसा ग्लो चाहिए इन विद इन काइंड ऑफ ग्लो, क्योंकि आप देखते होंगे वो बेस कम लगाते, बहुत ज़्यादा बेस उनके फेस पर आप कभी नहीं देखोगे, तो उनके फेस का मेकअप का राज क्या है, यही सब है कि वो अच्छे से स्किन को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्विस ब्यूटी का इलिमिनेटिंग प्राइमर भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने एल्फ का यूज़ किया, हेलो ग्लो फिल्टर, बहुत ही अच्छा लिक्विड हाइलाइटर है। सो एल्फ का मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे जो शेड यूज़ किया 03 है, मीडियम एंड लाइट, बहुत ही अमेजिंग ये लिक्विड हाइलाइटर, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत नेचुरल फिनिश देता है एंड बहुत अच्छा फेस ग्लो करता है। इसके बाद आप फाउंडेशन जो भी यूज़ करोगे ना, आपका फाउंडेशन काफ़ी ग्लो करेगा। एंड मैंने जितना वीडियोज़ में देखा जो मेकअप आर्टिस्ट ने सुरभि चंद्रा का मेकअप किया था, उन्होंने भी यूज़ किया था ये वाला लिक्विड हाइलाइटर, लेकिन उन्होंने सालेटी टिलबरी का यूज़ किया था। मैंने उसका उससे थोड़ा कम वाला यूज़ किया, लाइक एल्फ का आप रेप्लिका बोल सकते हो। कंसीलर उन्होंने भी टू फेस का यूज़ किया था, क्योंकि मैंने उनका ट्यूटोरियल देखा, 2-3 लुक उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो उन्होंने ना टू फेस का ही कंसीलर यूज़ किया है। मेरे ख्याल से जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किए ना, 80% मुझे लगता है मैंने वही यूज़ किए हैं, क्योंकि वीडियोज़ में कुछ कुछ प्रोडक्ट दिख जाते हैं एंड हम मेकअप आर्टिस्ट को समझ आ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ हुआ है। तो कंसीलर के लिए मैंने टू फेस का यहाँ पे यूज़ किया, बहुत इतू सा क्वांटिटी मैंने लिया है। एंड शेड मैंने यूज़ किया शैन, क्योंकि मुझे अभी अपने स्किन टोन का ही रखना था कंसीलर। फाउंडेशन मैं नार्स का यूज़ करूँगी, पंजाब शेड, वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन। अगर आपको कोई रेडियंट फाउंडेशन चाहिए एंड नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन चाहिए। ब्यूटी ब्लेंडर मैंने प्रॉस ब्यूटी का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। बहुत दिनों के बाद मैंने इस ब्यूटी ब्लेंडर को लिया है, अमेजोन से ही मैंने लिया इस ब्यूटी ब्लेंडर को, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इतनी अच्छे से मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहा था ना, मक्खन की तरह। अगर आप कोई अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहते हो ना, आप इस पर इन्वेस्ट करो, बिल्कुल भी आपको रिग्रेट फीलिंग नहीं आएगा। सेलिब्रिटी फाउंडेशन कैसे लगाते हैं, हल्का सा ही वो निकालते हैं एंड ब्यूटी ब्लेंडर में ही लेकर एक लगाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कभी भी आप नहीं देखोगे किसी सेलिब्रिटी को लगाते हुए, क्योंकि उनको एकदम लाइट मेकअप पसंद होता है। मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए यूज़ किया है यहाँ पे टू फेस का कंसीलर, शेड है आलमंड, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आलमंड शेड ना हल्का लाइट लगेगा, अगर मैं मुझे फेयर नहीं होना था, तो इसलिए मैंने हल्का सा इसमें सैंड शेड को मिक्स किया एकदम थोड़ा सा क्वांटिटी में। एंड जो मैंने हाइलाइटिंग भी किया है वो बहुत कम मैंने किया है, ज़्यादा कुछ भी मैंने नहीं किया है। ब्लेंड करने के लिए सेम अगेन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया, हल्का सा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का यहाँ पे लिक्विड ब्लश, जिसका शेड है 002। मैं सारे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, बाकी मैं प्रोडक्ट का नेम बोलती जा रही हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा मैंने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है नहीं किया है, मैं सारा कुछ वीडियो में बताती हूँ। लिक्विड ब्लश आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रहा है एंड आप सुरभि चंद्रा का अगर लुक देखोगे ना, उनके फेस पर ब्लश थोड़ा ज़्यादा था, पहले मैंने थोड़ा कम लगाया था, बाद में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, क्योंकि उनका फोटोज़ में और वीडियोज़ में ना थोड़ा ब्लश ज़्यादा लग रहा था, ब्लश ही लुक ज़्यादा था। फिर फेस को सेट करना है, लॉरा मर्सियर की ट्रांसल्यूशन पाउडर से मैंने सेट किया है। ये बहुत ही अच्छा वाला लूज पाउडर है। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं ना या सोचते होंगे कि सेलिब्रिटी का मेकअप इतना कैसे अच्छा लगता है, इतना ग्लो कैसे करता है, ऐसा लगता है कि मेकअप उन्होंने नहीं किया। सबसे पहला तो वो फेशियल वगैरह हमेशा करवाते हैं, उनका फेस हमेशा हाइड्रेटेड रहता है। दूसरा, आप उनके फेस पे कभी ब्लैक हेड वाइट हेड पोर्स नहीं देखोगे। तीसरा, हाई एंड मेकअप ही वो अपने फेस पे यूज़ करवाते हैं। आज जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया सब हाई एंड ब्रांड है। आई नो आप में से बहुत लोग बोलोगे कि मैम अफोर्डेबल प्रोडक्ट से शेयर करो, तो आप मुझे कमेंट करो कि मुझे नेक्स्ट सेलिब्रिटी का कौन सा लुक करना चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम फोटो भेज देना कि सेलिब्रिटी का ब्राइडल लुक मुझे करना चाहिए एंड कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। मैं आप लोगों की DM पढ़ूंगी, इंस्टाग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। सो इसके बाद मैंने ब्रॉन्ज़र यूज़ किया है, बेनिफिट का ब्रॉन्ज़र, बहुत ही अच्छा नेचुरल लुकिंग ब्रॉन्ज़र है।
हाईलाइटर, गैस वॉट मैंने कौन सा यूज़ किया, मैंने सोचा कि चलो आज ना कमेंट पढ़ूंगी आप लोगों का। हाईलाइटर मैं नहीं बता रही हूँ, आपको कमेंट करना है कि कौन सा मैं हाईलाइटर यूज़ कर सकती हूँ या मुझे मैंने कौन सा हाईलाइटर किया है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। मैं आपको कमेंट में आंसर दूंगी मैंने कौन सा हाईलाइटर यूज़ किया। एंड हाईलाइटर ना इस पूरे मेकअप का जान है, आप देखना सेलिब्रिटी का फेस ना विद इन काइंड ऑफ ग्लो करता है क्योंकि हाईलाइटर की वजह से। तो मैंने कौन सा हाईलाइटर यूज़ किया इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा यूज़ किया। इसके बाद मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का इम्पावर्ड आई शेडो पैलेट, जो कि रिसेंटली मैंने परचेस किया। मैंने इनर कॉर्नर पे हाईलाइटर लगा लिया है। एंड सबसे पहला शेड मैं लूँगी ये गेट इट शेड को, जो कि मैं आपको फिंगर्स दिखा रही हूँ, मतलब इंडेक्स फिंगर से कि कौन सा मैंने शेड यूज़ किया। उनके आइज पे ज़्यादा बिल्कुल कलर नहीं थे, दो तीन कलर थे जितना मुझे फोटोज़ में दिखा। तो एकदम आपके पैलेट में कोई भी लाइटर ब्राउनिश शेड होगा, लाइक पीची काइंड ऑफ शेड, पीची ब्राउन ब्राउन के बीच का कलर आप ले लेना। फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश आपको लेना है, कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हो। इस तरह का जो जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हो, सिंथेटिक ब्रश है ये, फ्लफी काइंड ऑफ। तो सबसे पहले मैंने इस कलर को पूरे इंटायर कॉन्टोर एरिया पे अप्लाई किया है। कॉन्टोर एरिया किसे बोलते हैं, क्रीज एरिया से थोड़ा अबव वाला एरिया। फिर मैंने डार्क कलर को लिया एंड डार्क कलर को मैंने लोअर लैश पे लगाया। पेंसिल ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने यह फ्लैट ब्रश यूज़ किया। इसको स्मर्श करने के लिए मैंने फिर से गेटेड शेड को लिया है, जो कि फर्स्ट शेड मैंने पिक किया था। एंड इसको मैं इस तरह से स्मर्श कर रही हूँ। बहुत ही ध्यान से आप देखो मैं किस तरह से इस लुक को कर रही हूँ, बहुत ही इजी है, आराम से आप घर पे कर सकते हो। फिर मैंने फिर से डार्क कलर को लिया है, टेपर्ड ब्लेंडिंग ब्रश मैंने इस बार यूज़ किया, जो आपको थोड़ा सा दिखेगा मतलब कि आपको फ्लफी गोल जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इसका शेप ना आपको स्क्वायर में दिखेगा। सिर्फ मैंने इस शेड को आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया एंड फिर से मैंने क्लीन ब्रश लिया। एंड क्लीन ब्रश में मैंने फर्स्ट कलर को लिया है एंड सारे एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं पावर शेड को ले रही हूँ, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया मैंने कौन सा शेड यूज़ किया। एकदम लाइटर शेड है इस पैलेट में से एंड उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ सेंटर पे। मैंने बिल्कुल भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आइज़ में नहीं किया, जैसा जैसा उनकी फोटोज़ में मुझे दिखा वैसा ही लुक मैंने किया। एंड लास्ट में फिर से क्लीन ब्रश से सारा कुछ को मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं रिकोड का यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा वाला जेल लाइनर है, आप ज़रूर ट्राई करना इस जेल लाइनर को, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको। इनग्लॉट का अगर आपने लिया हुआ है एंड इनग्लॉट महंगा आपको लगता है तो आप अफोर्डेबल में रिकोड का ले लेना, बहुत ही अमेजिंग है। मैंने वेगा का लाइनर ब्रश यूज़ किया है एंड मैंने एंगल शेप का ब्रश यहाँ पे यूज़ किया विंग निकालने के लिए इनर कॉर्नर पे, क्योंकि उनकी मेकअप आर्टिस्ट ने ना फ्रंट में उनको विंग निकाला था। मस्करा के लिए मैंने यूज़ किया है वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल मस्करा, गेस व्हाट कौन सा है, मेबलिन। लैसेस मैंने LB18 यूज़ किया है नंबर मिंक लैसेस का। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है के ब्यूटी का लिपस्टिक का लिप लाइनर फेम एंड लिपस्टिक मैंने प्रॉमिस शेड यूज़ किया है के ब्यूटी का। हल्का सा मैंने लवर्थ का भी मिक्स किया था, एकदम हल्का सा। सो लिप लाइनर फेम शेड मैंने यूज़ किया है एंड लिपस्टिक तो मैंने आपको मैं स्क्रीन पे ना सारे प्रोडक्ट का नेम भी लिख दूंगी, बहुत लोगों को शायद प्रोडक्ट नहीं समझ आया मैंने कैसे दिखाया, तो आपको नेम तो लिख दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। एंड यू कैन सी मेरा मेकअप कितना फ्लॉलेस लग रहा है। इसके बाद मैंने अर्बन डिके का यूज़ किया है मेकअप फिक्सर एंड बस मेकअप को ड्राई कर लिया। हल्का सा मैंने ब्रोबोन को हाईलाइट किया एंड लुक एट द फाइनल लुक, बहुत ही अमेजिंग लुक हुआ था। ज्वेलरी भी मैंने अमेजोन से लिया है, मुझे लिंक मिलेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। एंड लुक एट द फाइनल लुक, बहुत ही हद तक सिमिलर लुक मैंने अचीव करने का कोशिश किया है। बस मेरे पास आउटफिट नहीं थे तो जो भी मेरे पास था मैंने उससे लुक को रिक्रिएट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आउटफिट की वजह से मेरा जो वीडियोज़ है वो डिले हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को डिले किए हुए। इस तरह से मैं सोचती बहुत कुछ हूँ बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाती हूँ, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो भी सोचूंगी ना मैं तुरंत करूँगी, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे कि मैं अपने चैनल पर न्यू कॉन्टेंट शेयर कर रही हूँ। होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।